एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो एक ब्लॉग होने वाला है और मैंने सोचा कि चलो एक ब्लॉग बनाती हूँ जो कि सडन है। मींस मॉर्निंग में मैं जब सो के उठी तो लगा चलो आज बना देती हूँ। और मैं मींस ये मेरा डेली का शेड्यूल है कि कैसे ऑफिस जाती हूँ और ससुराल में ऑब्वियसली। तो सबसे फर्स्ट क्या है ना कि जगने का ये 15-20 मिनट बाद मुझे ख्याल आया कि चलो एक ब्लॉग बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी सुबह सुबह जो होता है रूटीन झाड़ू लगाने का वो कर रही हूँ, आप मुझे ये देख सकते हैं। और अभी हो रहे हैं सुबह के 5:15 हो रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं अंदर तो अंधेरा ही है इधर साइड, बट उजाला हो चुका है अब तो बहुत ज़्यादा ही। वैसे अभी समर चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ही जल्दी से ये हो जाता है, लाइट आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था पहले से बनाने का, तो लगा चलो मैं जो जाती हूँ ना अभी ऑफिस, वो कहाँ जाती हूँ किस टाइप का है तो वो मैं आपको इसमें दिखाने वाली हूँ। और ये मॉर्निंग का है, मीन्स 3 बजे तक का रूटीन है, दोपहर तक का आप देख सकते हैं सुबह की इतनी ज़्यादा लाइट हो चुकी है, बाहर आ चुकी है, 5:15 बज रहे हैं। और यहाँ पे अभी तो मैंने कर्टन भी नहीं हटाए हुए, मैंने बस झाड़ू वगैरह दिया है। उसके बाद यहाँ पे अद्विक सो ही रहा था तो मैं देखने गई सो रहा है या जगा, तो ये जगा हुआ है एकदम अंदर में। सो हेयर अद्विक गुड मॉर्निंग विश कर रहा है। आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग कर रहा है, गुड मॉर्निंग विथ फ्लाइंग किशी। और यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह आप देख सकते हैं, समर में ब्लैंकेट इसलिए है बेड पे बिकॉज एसी जो है ना वो रात भर चलते ही रहता है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है तो ठंडी भी लगने लगती है ना जब 17 पे कर दो, तो इसलिए ब्लैंकेट है। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं ये ऐसे छोटे मोटे प्लांट हैं जो कि इधर साइड लगे हुए हैं। वैसे हमारे बहुत सारे और भी फ्लावर्स के प्लांट हैं जो कि दूसरे छत हैं एक और उधर लगा हुआ है, तो ये बस इधर। और यहाँ इतना एक बकेट एसी का पानी हो गया है तो इसका यूज अद्विक बहुत अच्छी तरह से करता है इस वाटर का, और यहाँ पिया जग चुका है। सो ये आउटसाइड है, मीन्स एक तरह का बाहर का, तो यहाँ पे मैं झाड़ू दे रही हूँ, ऊपर में ही है। तो उसके बाद हॉल के बाद जो आंगन होता है ना वो है, इधर झाड़ू देने के बाद मैं ऊपर में मीन्स सब कुछ ब्रश व्रश करके हर काम हो जाता है उसके बाद नीचे जाती हूँ। तो यहाँ पे अद्विक ने देख लिया कि अरे ये तो वीडियो बन रहा है, तो वो अपना चालू हो जाता है कहीं भी। इसके बाद अद्विक का आप देख सकते हैं एसी का वाटर जो एक बकेट होता है उसको ये क्या करता है ना, जितने प्लांट लगे हुए हैं सब में वो उसका डेली का है मॉर्निंग का, वो सबको पानी दे देता है, वही पानी देता है। उसका कहना है ये पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए ना मम्मा, तो उसका यूज करता है वो और इसमें वही देता है पानी, इधर जितने भी प्लांट है और इवन लगाया भी उसी ने है मैक्सिमम, जो भी खाली मिल जाता है पॉट चाहे वो कुछ भी रहे उसमें ही डाल देता है एक प्लांट। और ये वाला प्लांट मेरे भाई ने दिया हुआ है रिसेंट में, तो इसलिए मैंने इसे इधर रखा हुआ है, बहुत क्यूट सा है। और यहाँ हमारा जो मॉर्निंग का रिचुअल्स है अपना वो सब हो रहा है। तो मॉर्निंग में मैं फेस वॉश वगैरह नहीं करती हूँ, ओनली ब्रश किया, फेस को धो लिया, दैट्स इट, और बिंदी वगैरह लगा के उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे क्योंकि मैं अभी तक ऊपर में ही थी। सो यहाँ पर मैंने विंडो वगैरह ओपन कर दिया है। अब मैं यहाँ का गेट शट करके नीचे जा रही हूँ और नीचे हमारी मम्मी जी जग चुकी होंगी और उनका मतलब मॉर्निंग अभी स्कूल चल रहा है। ये एक्चुअली 1 वीक बिफोर का ही वीडियो है, तो अभी तो छुट्टी हो गई है, समर वैकेशन है, बट ये तब का है जब उनका स्कूल ओपन था, मम्मी पापा सबका स्कूल ओपन है। तो यहाँ पर मम्मी का रोटी भी बन चुका है, सब्जी बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, इवन बस अभी ओनली राइस बचे हुए हैं बनाने को, तो वो मैं आगे अभी अब मम्मी का हो गया, अब मैं आ गई तो मैं यहाँ पे रोटी में घी वगैरह लगा ले रही हूँ
उसके बाद मैं उनको बोल रही हूँ कि आप जाइए अब नहाने के लिए, क्योंकि 6:45 हो चुके थे तब तक में, और उनको जल्दी से जाना भी रहता है ना, क्योंकि 6:30 तक स्कूल पहुँचना होता है। वो टीचर हैं मम्मी पापा, मीन्स मेरी जो इन लॉज हैं वो था टीचर, तो उनका भी स्कूल मॉर्निंग चल रहा है। और यहाँ सब येलो येलो इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि एक दिन पहले, आज तो फ्राइडे है जिस दिन का ये वीडियो है, बट एक दिन पहले थर्सडे था, तो इसलिए सबने येलो ऑरेंज वगैरह पहना हुआ है। अब मम्मी जी जा चुकी हैं, उसके बाद मैं जो भी इधर का बचा उचा काम है, लाइक कि चावल धो रही हूँ, उसके बाद चावल चढ़ा के इधर मैं अब चावल गिरा दे रही हूँ, मतलब जो मॉर्निंग का काम होता है अपना वो सब करने का। ये एक्चुअली मैंने सोचा चलो एक रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ मॉर्निंग में मैं क्या करती हूँ उठने के बाद। तो यहाँ पे मैं मिल्क को फिर दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ क्योंकि फिर मिल्क मैन आएगा, तो उसको खाली रखना है बर्तन। उसके बाद मैं जो भी है ये सब वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वॉश कर लिया है, बेसिन भी वॉश हो गया, मीन सिंक वॉश कर लिया हुआ है। उसके बाद जो है मेरा गर्म पानी होगा पीने के लिए, क्योंकि जब ब्रश करके आई है ना तो आपको इतनी ज़ोर से प्यास लगती है ना, मुझे तो बहुत लगती है जैसे ही मैं ब्रश करके आती हूँ। उसके बाद ये आधा घंटा हो चुका है, उसके बाद मैंने पानी चढ़ाया हुआ है गर्म करने के लिए। सो यहाँ पे मैं अपने लिए वार्म वाटर कर लिया है मैंने, उसके बाद मैं चाय बनाने वाली हूँ, सो पहले इसे पी लेती हूँ। सो अर्ली मॉर्निंग आपको अगर आपने मतलब वाटर पीने का आदत नहीं लगाया हुआ है तो आप अभी से लगा लीजिए, बहुत बेनिफिशियल होता है सुबह सुबह वार्म वाटर पीना। सो ये मैंने वार्म वाटर के बाद अब चाय चढ़ाया हुआ है अपने लिए। और क्या है ना कि वो मैंने वाइप कर दिया हुआ था इसलिए कुछ भी गिरता है तो बार बार पोंछना पड़ता है वहाँ। और यहाँ पे अभी अद्विक भी ब्रश कर लिया है तो उसके लिए मैं यहाँ पे हॉर्लिक्स मिल्क डाल रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा किशमिश एंड 2 बिस्किट। एक्चुअली उसका स्कूल अभी बंद है, वो पुणे में ही स्कूलिंग उसकी चलती है, तो अभी मैं तो यहाँ हूँ ना बिहार में, तो यहाँ पे वो बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मम्मी के ही स्कूल चला जाता है साथ में, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसका एडमिशन नहीं कराया हुआ है क्योंकि मतलब फाइनली जाने हैं मुझे पुणे ही, दैट्स व्हाई। यहाँ पे हमारी चाय जो है वो बन रही है और सुबह सुबह चाय, ओ माय गॉड मज़ा आ जाता है ना। अगर आप भी टी लवर्स हैं तो आपको भी पता होगा क्या मज़ा आता है यार, सीरियसली एकदम। और यहाँ पे उसका आप देख सकते हैं, और ये चापाकल है, ये तो हमारा चलता नहीं है बिल्कुल भी नहीं, बस ये है कि हाँ है एक रखा हुआ क्योंकि इसका कोई यूज़ ही नहीं होता है, लेकिन उसमें अधिक ना पानी डाल डाल के उसको चलाने का बहुत प्रैक्टिस में लगा रहता है। यहाँ पे 6:00 सुबह के 6:00 उसका भी मैं अब मिल्क और जो भी है उसका स्नैक्स थोड़ा सा दे दूँगी उसे। और अद्विक को पानी के साथ खेलना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है, वो तो बस दिन भर बस पानी पानी ही करते रहता है। तो यहाँ पे वो अभी अपना मिल्क ले रहा है तो मैं भी यहाँ पे बैठ गई हूँ अब चाय पीने के लिए। और उधर साइड में मेरे पापा जी लेटे हुए क्योंकि उनका आज स्कूल नहीं था, मीन्स उनको डायलिसिस में जाना है, उन्होंने CA लिया हुआ है, उनका वीक में 2 दिन डायलिसिस होता है क्योंकि वो डायलिसिस पेशेंट है, तो वो उधर अभी ऐसे ही लेटे हुए हैं बरामदा पे ही। और हमारी मम्मी जी यहाँ पे बाथ लेके आ चुकी हैं, वो पूजा करने जा रही हैं। यहाँ पे मैं अद्विक के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ, उसमें मैंने आलू फ्राई डाला हुआ है और थोड़ा सा सॉस डाल दूँगी केचप, बस उसे फोल्ड करके 2 रोटी डाल दूँगी।
वैसे तो वो 11:30 तक आ ही जाता है, 11 तक ही आ जाता है, लेकिन फिर भी सुबह में कुछ खा के जाता नहीं, ओनली मिल्क ही लेके जाता है। तो मैं ये डाल के उसके बाद थोड़ा सा मैंने ग्रेप्स डाल दिया है उसमें, बस हो गया उसका ये रेडी। और इधर मेरा चावल भी हो चुका था तो उसका मैंने मार निकाल दिया हुआ है। इधर अद्विक नहा चुका है, मतलब मैंने नहा दिया हुआ है उसे, और उसका ड्रेस वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, तो उसको मैं नॉर्मल ड्रेस में ही भेजती हूँ स्कूल। और वहाँ हमारे पापा जी भी जग चुके हैं। मैंने ना वीडियो को फास्ट किया हुआ है, इतना फास्ट फास्ट चल नहीं रही हूँ यार। फास्ट इसलिए क्योंकि बहुत ही ये लॉन्ग वीडियो हो जा रहा था। यहाँ पे मैंने अद्विक का क्रीम पाउडर और कंघी वगैरह ले आया हुआ है, उसके बाद मैं उसे रेडी कर दूँगी। ये व्लॉग मैंने कुछ सोच के बनाया नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, इसलिए बस रैंडम है। तो रैंडम वाली चीज़ जो होती है ना, वो रैंडम ही दिखती भी आपको। तो इसलिए आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आपको पसंद आए, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। ऐसे ही आप अगर व्लॉग देखना चाहो, बीच बीच में मैं डालते रहूँगी कि मीन्स की ससुराल में मैं कैसे रहती हूँ और कैसे काम वाम होता है, वो है। और यहाँ पे मैं जब ऑफिस जाने लगती हूँ तो साड़ी नहीं पहनती हूँ, सूट पहनती हूँ, बट घर में साड़ी ही पहनती हूँ। यहाँ पे अद्विक अब रेडी हो चुका है। उसका मैंने बॉटल, टिफिन सब कुछ बैग में डाल दिया हुआ है। उसके बाद मैं उसका कॉपी वगैरह, और उसे तो अभी भी खेलने की पड़ी हुई है। ये है हमारी नीस लगी, वो उसको साथ में लेके जाती हैं स्कूल, तो वो पूछने आई थी रेडी हुआ फिक, तो उसका मैंने कॉपी वगैरह डाल दिया हुआ है। उसके बाद इसका डेली का एक है, ये इसलिए इतना हक हो रहा है मुझे क्योंकि वो डेली पूछता है मम्मा हम पुणे कब जाएंगे कब जाएंगे, तो वो उसका डेली का है, जब भी स्कूल जाने लगेगा तो उसका ये है। उसके बाद उसका था मम्मा मेरे लिए आइसक्रीम बना दीजिए, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा मिल्क और शुगर डाल के किशमिश डाल दिया है उसको, मैं बस जमा दूंगी, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं अच्छे से वाइप कर रही हूँ बिकॉज अभी अब मिल्क आ रहा है, मिल्क आएगा तो उसके बॉईल करने से पहले मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी जी जो घी निकालती है ना उसका छाली, तो वो प्रॉपर विदाउट नमक इसका होता है, एकदम बहुत अच्छी तरह से होता है, तो इसलिए पहले क्लीन करके उसके बाद ही मिल्क बॉईल होता है। यहाँ पे हमारे पड़ोस की एक चाची हैं, वो आ गई हैं कुछ पूछने के लिए। तो सुबह में इतनी ज़्यादा हड़बड़ी होती है ना, सबको ऑफिस जाना होता है कि अच्छे से बैठ के तो बात ही नहीं कर पाओ, काम करते करते ही मैं गप दे रही हूँ उनसे। यहाँ पे मम्मी जी रेडी हो चुकी हैं, उनका मैंने सत्तू घोल दिया हुआ है क्योंकि वो मॉर्निंग में खाती नहीं है, बहुत फास्ट जाना होता है, तो बस मैं उनके लिए सत्तू ही डेली घोल देती हूँ। और यहाँ पे अद्विक बदमाशी कर रहा है, वो यहाँ पे स्प्राइट का एक बॉटल था खाली है, उसे वो बार बार मैं हटा दे रही हूँ, उसे वो बार बार ला के रख रहा है अपने बैग में, मैं इसे भी ले जाऊँगा। और उसका मैं ये छाता दे रही हूँ, उसने ऐसे फोल्ड किया हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कि फ्लावर बन गया उसमें एकदम से, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप रहती है बहुत ज़्यादा, तो छाता तो मस्ट है देना। तो फिर से वो फिर अगेन मैंने बॉटल हटा दिया, फिर से वही कर रहा है, फिर से ले गया वो बॉटल डालने के लिए, तो बहुत नॉटी है यार, बट बहुत अंडरस्टैंडिंग है ये उसमें बहुत ज़्यादा है। सो वो रेडी हो चुका है और वो अब निकल गया है, जा रहा है। उसके बाद इधर मैं अब फिर से ऊपर जा रही हूँ, और इस साइड में भी आप देख सकते हो गेट है हमारा, इधर भी छत है, इधर में जो फ्लावर्स लगे हुए हैं ना साइड में वो बहुत ज़्यादा हैं इधर लगे हुए, बट उस छत पे मैं जाती नहीं हूँ एक्चुअली। और
इधर मैं आ गई हूँ। फिर मैंने अपना ये देखिए, मेरा एक दूसरा रूम जो ऊपर का है उसमें मेरे जो भी यूट्यूब के सामान हैं, ओ भाई जो भी है, सब बेड पे रखा हुआ है। यहाँ पे कोई सोते नहीं है, खाली रहता है, बस बेड पे हमारा सामान ही सोता है। तो यहाँ पे अब मैं नेट वगैरह ओपन कर दूँगी, क्योंकि इधर ना बिना नेट लगाए तो आप सो नहीं सकते, इतनी मच्छर रहती है, ओ गॉड एकदम। तो यहाँ सुबह तो मैं चली गई थी नीचे फटाफट से, अभी अब आके मैं यहाँ पे सब कुछ फोल्ड कर दूँगी। सो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत ही काम हो जाते हैं थोड़े थोड़े करके ही। सो यहाँ पे मैं सब ब्लैंकेट वगैरह भी फोल्ड, मेरा अलग है, अद्विक का अलग है, सब अपना अपना। सो मैंने बेडशीट वगैरह भी ठीक कर दिया हुआ है, नाउ माई बेड इज़ क्लीन। और यहाँ पे अंदर में ना कान्हा जी का मूर्ति है, ये मेरी सुल्तानगंज में एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे दिया हुआ था, सो थैंक यू सो मच। और इधर देख सकते हैं आप मेरे जो भी अब है सामान, मैं निकाल रही हूँ नहाने के लिए, मैं कपड़े निकाल रही हूँ, अब मुझे भी तो अब रेडी होने हैं ना। तो यहाँ पे फटाफट से मैं रेडी होने जा रही हूँ अब नहाने के लिए। सो मैंने रात में ही निकाल के रखा हुआ था सब कुछ, जो जो और बचे हुए हैं सब मेरा ड्रॉअर में वहीं पे रहता है, मैं निकाल ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ, और ऊपर में ही हमारा वॉशरूम है, वैसे नीचे अलग है ऊपर अलग है, तो मैं ऊपर में ही नहा लेती हूँ। ये हमारा ऊपर का हॉल है, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नहा के फाइनली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साड़ी से तुरंत सूट, क्योंकि अब मैं बाहर जाने टाइम में नहीं पहनती हूँ साड़ी, क्योंकि बार बार उधर मतलब ऑटो पे चढ़ना इधर उधर, मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ही ये रहता है, चल ही नहीं पाती हूँ ऐसा फील होता है। सो मॉर्निंग में मैंने फेस वॉश कर ही लिया हुआ है नहा के, नहाते टाइम। तो यहाँ पे मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ सिंपल का, उसके बाद मैंने यहाँ पे लैक्मे का ये सनस्क्रीन लगाया हुआ है, थोड़ा सा लिप बाम, और ये हैंड में मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, मॉइस्चराइजिंग लोशन, और यहाँ पे कंघी, और जो सनस्क्रीन लगाने के बाद थोड़ा सा मैंने कॉम्पैक्ट से सेट कर लिया, सुबह का इतना सा ही रहता है, काजल लगाओ, सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, ये सब तो मस्ट है। ये सब ऐसे बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, फटाफट से हो जाते हैं। सनस्क्रीन तो आपको कभी अवॉइड नहीं करना है मॉर्निंग के टाइम में, तो नहाने के बाद मॉइस्चराइजर, फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइजर, फिर सनस्क्रीन तो मस्ट है लगाना, वो सब मैंने लगा लिया हुआ है। सिंदूर लगाते टाइम ना हमारे इधर होता है कि पूरब साइड से ही लगाना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा टर्न हो गई। उसके बाद मैं कभी खुला बाल तो ऑफिस नहीं जाती हूँ, मेरे इतनी गर्मी लगती है ना, तो मैं अब बनाऊँगी जूड़ा। सो मैंने ये कंघी कर लिया हुआ है, अब बना रही हूँ मैं जूड़ा। सो यहाँ पे मैंने बैंगल्स भी चेंज कर लिए हुए हैं एंड वॉच। सो इतना मस्ट है मॉर्निंग के टाइम का, डेली का। उसके बाद मैं यहाँ पे, अब आपने देखा होगा ये तभी से हॉल में क्यों ये रस्सी बंधा हुआ है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा धूप है, तो बाहर में तो कोई रहते नहीं है, घर में सभी ऑफिस जाते हैं, तो कौन उठाएगा कपड़े वगैरह इतनी धूप में, और कलर वगैरह हट जाता है ना, तो इसलिए मैंने अंदर में ही यहाँ पे मम्मी जी ने एक रस्सी टांग दिया हुआ है, जैसे कि जो भी कपड़े हैं सब अंदर में ही, और मौसम क्या है ना कभी बारिश कभी कुछ, तो अंदर रहता है तो सेफ रहता है ना, गीला वगैरह भी नहीं होना।
अभी जब मैं नहा के आई थी मैंने एसी ऑन किया हुआ था, बहुत गर्मी थी। अभी मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पे अभी हो रहे हैं 8:30, और 8:30 तक मैं रेडी थी। सो यहाँ पे मैं लाइट वगैरह जो है वो सब ऑफ कर दे रही हूँ। सो आप देख सकते हैं आई एम रेडी। अभी रेडी नहीं हूँ यार, अभी खाना खाना बचा हुआ है। और ये मेरा फेवरेट प्लेस है, किचन के आगे में जो रखा हुआ है ना चौकी, वहीं पे मैं स्टूल लगा के खा लेती हूँ। मुझे किचन में बैठ के खाना बहुत अजीब लगता है। सो यहाँ पे मैं बस जल्दी जल्दी खाऊँगी। अब पापा जी रेडी हो गए हैं डायलिसिस में जाने के लिए, खा पी के। सो यहाँ पे पापा जी बातें कर रहे हैं सूज के बारे, उनका सूज कितना कम्फर्ट है वो बता रहे हैं मुझे। सो सही में बहुत अच्छा है वो सब बता रहे हैं। तो वो अब निकल रहे हैं, पूछ रहे हैं कुछ लेना है नहीं लेना है। सो यार सुपर है, हमारे मम्मी पापा दोनों मस्त हैं एकदम, बहुत ही केयरिंग है। बहुत ऐसा फील नहीं होता है कि मैं ससुराल में रहती हूँ, इतना तो है, बहुत अच्छे हैं सभी। सो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी। सो नाउ सैंडल पहनूँगी। यहाँ पे क्या है कि सब जिस दिन जो होता है कल ड्रेस उस टाइप का सैंडल पहनती हूँ। सो हियर आई एम रेडी। अब मैं निकल रही हूँ, सब कुछ मैंने लॉक कर दिया हुआ है। तो इधर से निकलने का रास्ता, और गर्मी धूप बहुत है तो मैंने छाता ले लिया हुआ है। और ये हमारा जाने का रास्ता है, इतना हम पैदल मतलब मुझे चल के जाना पड़ता है इतना दूर। उसके बाद मैंने ई रिक्शा लिया हुआ है, वहीं पे रहता है तो तुरंत मिल जाता है जाते टाइम। तो यहाँ से मैं आपको रास्ते में दिखाते जाती हूँ सब कुछ, सो कितना दूर है हमें जाने में। और आज मैं जा रही हूँ हमारा HSC जहाँ पे हमारी पोस्टिंग है। हमें APSC और HSC दोनों जगह जाना होता है। तो HSC में एज CHO वर्क करना पड़ता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सो आज वहीं की पोस्टिंग है हमारी, मीन्स ये फ्राइडे है, फ्राइडे को वहीं मैं जाती हूँ। तो ये रास्ता है जाने का, और ये हमारे गांव का बहुत अच्छा मीन्स हमारे ससुराल का मंदिर है, ये दुर्गा माँ का बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे, मैं ऐसे ही जाती हूँ पूरा फेस वेस ढक के, क्योंकि बहुत धूप रहती है ना, तो ऐसे ही जाना ठीक रहता है। और सर पे भी पल्लू रहता है ना, तो मतलब ठीक है, ससुराल की भी मर्यादा अलग है। यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ, और HSC जो है वो बस एक कम्युनिटी लेवल पे होता है, उसमें आपको रहने होते हैं। वहाँ पे आपको जो भी छोटे मोटे मतलब लाइक BP शुगर ये सब देखने होते हैं, मेडिसिन देने होते हैं। यहाँ पे मैं बैठी हूँ, अभी तक कोई पेशेंट नहीं थे, तो मैं देख सकते हो आप क्या कर रही हूँ मैं, बर्ड वहाँ चल रहा है। सो यहाँ पे आप पेशेंट आ चुके हैं हमारे, तो उनका जो भी सिम्टम्स था उसके अनुसार मैंने उनका BP लिया, फिर उनका मैं शुगर टेस्ट कर रही हूँ। सब कुछ करने के बाद उनको मेडिसिन देना होता है। यहाँ पे भी HSC में भी वैसे तो मतलब जो गांव लेवल पे भी इतने सारे पेशेंट आ जाते हैं ना, बहुत एक दिन में तो अप्रॉक्स 67 इस टाइप के पेशेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा ही आ जाते हैं। अकेले रहना, ओ माय गॉड, बहुत टफ हो जाता है समटाइम्स। तो बट जॉब है आपकी, ड्यूटी है तो करनी ही होगी, है कि नहीं। बट अच्छा भी लगता है क्योंकि अकेले तो बोर हो जाओ ना, और ये HSC ऐसा प्लेस पे है ना वो अच्छा है। और यहाँ पे मैं ना मेडिसिन की एक्सपायरी वगैरह देख के लिख रही हूँ। और यहाँ हाई स्कूल है एक्चुअली, तो वहाँ की आप देख सकते हैं आउटसाइड में गर्ल्स वो मतलब सोच रही हैं कि जाएं कि नहीं जाएं, क्या बोलेंगे, क्या हुआ है, ऐसा सोच रही है, सब बार बार सोच रही है, आके फिर निकल जा रही है। लेकिन फाइनली आ चुकी है। मैं उसे पूछ रही हूँ हुआ क्या है, पहले प्रॉपर बताओ आप। HSC में हमें मैं मतलब 2:30 बजे तक रहती हूँ, 2:30 तक यहाँ पे रहना ही होता है, 2 बजे तो रहना ही है, 2:30 कभी कभी तो पेशेंट ज़्यादा होते हैं 2:45 हो जाता निकलते निकलते। ये यहाँ का मीन्स जो एरिया है ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा है ये। तो
अभी हो रहे हैं 1:45 और अब मैं मतलब 2:15 तक निकल जाऊंगी यहाँ से। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि बहुत ही लॉन्ग ब्लॉग हो गया है ये। तो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हो सके तो मैं नेक्स्ट भी बनाऊंगी, और कमेंट भी कीजिएगा आपको कैसा लगा। ओके, बाय।